8 मार्च बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो 1820 के में जो है न्यू इंग्लैंड के अंदर ख़वातीन जो सिलाई की फैक्ट्री में काम करती थी, मिलों में काम करती थी, वो बेहतरीन उजरत के लिए, अपने बेहतर उजरत के लिए जो है वो निकल के रोड पर आई, उन्होंने एहतजाज किया और ये कंटिन्यूस फिर जो है स्ट्रगल शुरू हुई। तो ये तजदीद का भी दिन है और ये याद रखने का दिन है कि ससाल अपनी शक्ल में जहाँ जहाँ मौजूद है उसको कैसे किसी तहरीक के साथ या एक जगह जमा होकर आगे आप अपने मसाइल के हल की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी ताकत के ज़ोर पे अपनी हैसियत को मनवाया जा सकता है और सारी जो स्ट्रगल है इस रिलेटेड टू कि औरत को मुकम्मल इंसानी वजूद के साथ तस्लीम किया जाए। तो अगर वो मजदूर है तो बराबर की मजदूर है और अगर वो सरमायादार है तो वो बराबर की सरमायादार है, लेकिन हर सतह पर जो ये सारा निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ जो तारीख़ी तौर पर आपको सबको पता है कि औरतों ने जो अपनी स्ट्रगल की थी ये उसी का दिन है जो मनाया जाता है। मेरे ख़्याल से ये उन्हीं ख़वातीन की, मेहनत कश ख़वातीन की ही जद्दोजहद है जिसे हमें आगे लेकर चलने की ज़रूरत है कि हर वो काम करने वाली औरत जो कि घर से निकलती है उसे हमें मज़ीद वो हिम्मत देने की ज़रूरत है कि वो अपनी उजरतों के हवाले से, अपनी मेहनत के हवाले से अपना वो सिला हासिल कर सके। 21वीं सदी में हम और 21वीं सदी में होने के बावजूद जो है वो समाज हमारा वही बैकवर्ड ही है कि जहाँ पे, क्योंकि जागीरदाराना निज़ाम मौजूद है और जागीरदाराना निज़ाम में औरत को जो है वो ग़ुलाम से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है, तो इसलिए कारोकारी है, रेप के केसेस हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें नज़र आते हैं। इसी तरीके से सरमायादार समाज में जो है वो औरत को किसी हद तक आज़ादी तो दी, मतलब मीन्स के निकली, घर से निकल के आई वो बार, लेकिन वो उजरती ग़ुलाम के तौर पर आई। तो एक तो घर में जो जागीरदाराना निज़ाम की रवायात मौजूद थी, एक तो वो उसमें फंसी हुई और फिर जब काम में आई तो फिर उसमें जो है उनको जो है कमोडिटी बना दिया कि उसको जो है मुनाफा कमाने के लिए तो आप हायर करते हैं, उनको उजरत बेहतर नहीं देते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बनाने का हक नहीं है। तो इसलिए जो है बुनियादी तौर पे जो है यहाँ पे इस समाज में जो है वो इस्तेसाल अभी तक मौजूद हैं। जब माशरे की हम बात करते हैं तो दो तनाजुर देखने बहुत ज़रूरी हैं, एक वो जिस जुग्राफिया में मैं और आप रह रहे हैं और एक वो जो पूरा आलमी सतह पर बनता है। तो ओवरऑल सिचुएशन में कहीं ज़्यादा कहीं कम लेकिन इस्तेसाल की बहुत सी शक्लें मौजूद हैं। जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं या पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनमें फिर इस्तेसाल की शक्ल ज़्यादा भयानक इसलिए हो जाती है कि आपका स्टेक होल्डर फिर कोई एक नहीं है, ये जो मसले की जड़ कह लें या जहाँ से मसाइल हम पर मुसल्लत हो रहे हैं वो एक नहीं है। हमारे माशरे में औरत की सूरत हाल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज भी मैं उसे उस मकाम पर नहीं देख रही हूँ जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। जैसे मैं अगर बलोच माशरे के हवाले से बात करूँ तो उसे आज भी गैरत के नाम पर घरों के अंदर बंद कर दिया जाता है, चादर और चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तब्दीली लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सफ़र में ठहराव कहीं ना आए, वो रुके नहीं, चाहे आप दिन मना के करें, चाहे आप एहतजाज की शक्ल में करें, आप तराना लिख के करें, आपको अपनी जद्दोजहद जारी रखें। तब्दीली से पेश एक दिन के मनाने से तो मुमकिन नहीं है, लेकिन तब्दीली के अमल के लिए जद्दोजहद का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है कि औरतें अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं, हर एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें जो कि उनके हुकूक के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस एक दिन को इस्तेमाल करके कि औरत आज़ादी मार्च के नाम से या इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे के नाम से उस एक दिन को सेलिब्रेट करके बाकी अपने हुकूक को भूल जाऊँ। औरतों के अंदर जो है वो सियासी और इनकलाबी शऊर को बेदार किया जाए और जब तक वो क्लास स्ट्रगल के साथ नहीं जुड़ेंगी, मज़दूर भाइयों के साथ जुड़ के जो है वो स्ट्रगल नहीं करेगी, मेरे नए ख्याल के हालात जो है वो बेहतरी की तरफ होने जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपने ख़िलाफ़ जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, लेकिन मुनज़्ज़म जद्दोजहद की तरफ भी आगे बढ़े और ये हमें होता हुआ नज़र आता है यहाँ पर।